देखिए उस दिन हम लोग पढ़े थे नरजनन तंत्र के बारे में, किसके बारे में, नरजनन तंत्र। लेकिन बाबू हम बता दे कि नरजनन तंत्र से ज्यादा जटिल होता है मादा जनन तंत्र, ज्यादा जटिल क्यों होता है आखिर में जटिल मादा जनन तंत्र, इस चीजों को हम लोग समझेंगे। और मादा जनन तंत्र क्या है, फिगर क्या है, पाया कहा जाता है, इसके कितने भाग हैं, उसके कौन कौन से कार्य हैं, इन सभी चीजों को हम लोग आज मादा जनन तंत्र में देखेंगे। यहां देखिएगा बाबू, मादा जनन तंत्र में जैसे ही लिखते हैं हम, तो सबसे पहले जान ले कि हम पढ़ाने के क्रम में बताए थे कि नर जनन तंत्र से ज्यादा जटिल होता है मादा जनन तंत्र। तो क्यों जटिल होता है बाबू, तो उसका मात्र एक कारण है कि उसके मादा जनन तंत्र के अनेक कार्य हैं। मादा जनन तंत्र के क्या है, अनेकों कार्य हैं, जिसलिए यह क्या है, अधिक जटिल माना गया है। और पूछेगा कि मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र से किस प्रकार जटिल है, तो सीधे लिखना है कि नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र कार्यों के अनुसार उसे जटिल रूपों में माना गया है। कार्य क्या है बाबू, तो देखिए मादा जनन तंत्र का पहला कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। पहला काम क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। दूसरा कार्य क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। तीसरा कार्य होता है बाबू युग्मनज का पोषण देना। युग्मनज जो फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जो युग्मनज बनते हैं उसको पोषण प्रदान करता है यह मादा जनन तंत्र, पोषण देता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भ्रूण का विकास तथा प्रवर्धन। भ्रूण का क्या करता है, भ्रूण का जब निर्माण हो जाता है मादा जनन तंत्र के अंदर तो उसका क्या करता है, विकास करता है, उसका प्रबंधन करता है। इन सभी कार्य करने के कारण मादा जनन अंग को अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का को ग्रहण, युग्मज का पोषण और भ्रूण का निर्माण, इन सभी कार्य करने के कारण मादा जनन तंत्र को हम लोग जटिल जनन तंत्र के रूप में जानते हैं। अब मादा जनन तंत्र के भाग कितने हैं बाबू, तो यहां मादा जनन तंत्र के पांच भाग में बांटे गए हैं। कितने भाग में, पांच। पहला अंडाशय है, क्या है, दूसरा अंडवाहिनी है, क्या है, तीसरा गर्भाशय है, क्या है, गर्भाशय, चौथा और पांचवा भाग। देखिए अंडाशय को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी, क्या कहते हैं, ओवरी, क्या कहते हैं बाबू, ओवरी। अब देखिए कह रहा है कि इतने कार्य करता है जब कौन, मादा जनन तंत्र, कौन जी, मादा जनन तंत्र, तब उसे हम लोग कहते हैं क्या है, जटिल है, क्या है जी, जटिल है, क्योंकि इतने कार्यों को कर रहा है। और इतने कार्य नर जनन तंत्र में नहीं होते हैं, नर जनन तंत्र में नहीं होते हैं। कह रहा है इनके भाग भी हम यहां बता दिए हैं कि यह पांच भागों में बता है। यहां आइए, यहां यहां चित्र पर देखिए, फोकस कीजिए चित्र पर। गर्भाशय यह खाली क्षेत्र जो है बेटा, यह किस नाम से जाना जा गया है, गर्भाशय। यह जो नली दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं फिलोपिकन नली, फिलोपिकन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। करा यह जो निकला हुआ भाग दिख रहा है, गोलाकार भाग जो दिख रहा है बाबू, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय, क्या कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो यह दाने दाने रूप में जो दिखाई दे रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाणु, क्या बोलते हैं, अंडाणु। अब यहां समस्या यह है बाबू कि अंडाशय यहां भी है, अंडाशय यहां भी है, यानी मादा जनन तंत्र में दो अंडाशय पाए जाते हैं। कितने अंडाशय, दो अंडाशय, और वह दोनों अंडाशय मादा शरीर के उदर के नीचे एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ पाया जाता है, कोई दिक्कत। आ दोनों से यहां देख रहे हैं बाबू, दोनों में अंडाणु पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं योनि, योनि के माध्यम से ही सीसन मादा शरीर के अंदर प्रवेश करता है और स्पर्म को छोड़ता है, और गुद्दा उसका क्या करता है, मांसपेशियां उसकी सहायता करती है। ग्रीवा है, ग्रीवा क्या करता है, इन गर्भाशय में ग्रीवा क्या करता है, सपोर्ट करता है उसके लिए। पहला हम लोग का यहां देखना क्या है बाबू, पढ़ना क्या है, किसके बारे में जानना है, ओवरी के बारे में, किसके बारे में, ओवरी के बारे में, यानी अंडाशय के। बताए हैं ना अभी कि अंडाशय कहां पाया जाता है बाबू, तो स्त्री शरीर के उदर के नीचे पाया जाता है। कहां पाया जाएगा, उदर के नीचे पाया जाता है, और वह दो भागों में होता है, एक दायां भाग में पाया जाता है और एक बायां भाग में पाया जाता है, और दोनों से, दोनों में अंडाणु उत्पन्न होते हैं, दोनों में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। जैसे ही अंडाशय में बाबू अंडाणुओं का निर्माण होना शुरू होता है, तुरंत वहां से एक हार्मोन्स का स्राव होता है जिसे हम लोग कहते हैं
प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। जैसे इस हार्मोन्स का स्राव होता है बच्चियों में, स्त्रियों में या बालिकाओं में, एक अद्भुत संरचना का निर्माण होता है और उस अद्भुत संरचना को हम लोग द्वितीय गणविक लक्षण कहते हैं, द्वितीय लक्षण। जैसे इस द्वितीय लक्षण में क्या होगा बाबू, तो शारीरिक बनावट में बालकों की शारीरिक बनावट से भिन्नताएं उत्पन्न होने लगती है, जैसे नितंबों का वृद्धि होना या मासिक चक्र का शुरुआत होना। जैसे देखिए बाबू, यहाँ अंडाशय में तुरंत ही अंडारू जैसे निर्माण होने लगता है, अंडारू का स्राव होने लगता है, तुरंत वहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का भी स्राव होता है। जैसे हार्मोन्स का स्राव होगा लड़कियों में एक नया गुण पाया जाने लगता है, एक नए गुण का निर्माण होने लगता है और उन गुणों में आएगा आपका पहला होता है जैसे मासिक चक्र का शुरुआत होगा। जैसे ही शुरुआत होगा उसमें शरीर की बनावट क्या होती है, धीरे धीरे डेवलप होते जाती है, वक्ष का निर्माण होगा, गर्भाशय में ग्रीवा आदि चीजों का, योनि का परिपक्व होना, बॉडी के अनेक संरचनाएं परिपूर्ण रूप से विकसित होने लगती है। ठीक है, इसके आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।